हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के एनएसबी ब्लॉग्स में। तो आज के इस ब्लॉग में आपने देख ही चुके हो थंबनेल में, जो अपनी कैफे रेसर हम तैयार कर रहे थे, तो उसके लिए हम आए मायापुरी। यहाँ से अपनी चेसी का ये बेंड करवाएंगे और ये पूरा यू शेप में आएगा और ये मायापुरी में ही होता है। मशीन से करवाने का ये फ़ायदा है कि इसमें कोई इक्वल होगा, डेंट वगैरह कुछ नहीं आएगा, वरना पाइप में आप देखेंगे तो अजीब सा डेंट वगैरह आ जाता है, तो हाथ से मोड़ा हुआ वो शेप भी नहीं आएगी, इससे प्रॉपर शेप आएगी क्योंकि ये मशीन होती है। तो इस एक दिन मेरे को इसको पूरा ढूंढने में लग गया और यहाँ पर मैं बेंड करवाने आया था, तो यहाँ से बेंड करवा के इसको प्रॉपर यू शेप में डलवा के फिर मायापुरी से चलते हैं। अगर आपने भी अगर नियर बाय करवाना हो तो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया चले जाए, वहाँ से पूछ ले आप, कहीं से भी पाइप वगैरह बेंड जहाँ होते होंगे वो आराम से कर देंगे इनको इसको। तो ये वाली प्रॉपर मशीन होती है, मेरा मानना भी यही है, आप भी मशीन से ही करवाना, हाथ से मत करवाना। तो सबसे पहले इसका काम करते हैं, ये चार्जर उतारते और उसको यहाँ से कट करते हैं, पहले यहाँ से, ठीक है, और इसकी पेट्रोल की टी लगाते हैं। तो पेट्रोल की टी डाल के मैं सोच रहा हूँ इसको पेट्रोल डाल के स्टार्ट ही कर लें, तो इसकी टी में ले आया था, तो अभी इसमें फ़िट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है टैंकी कैसे फिट हुई, तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं, और आगे भी इसके पार्ट आते रहेंगे। तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, तो जाके वो भी देख लेना अगर नहीं देखा तो। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इसमें लाइट की फिटिंग करवा लूँ, थोड़ी लुक आ जाएगी। अभी टेम्परेरी करवा रहा हूँ, बाद में इसको ऑन करवाएंगे। तो पहले ये टैंकी का लॉक डलवा ले, क्योंकि ये अभी टूटा हुआ है, ऐसे लेके आया था, तो लॉक डाल रहा है भाई मेरा, और ये देख रहे हैं और ये अपना खोल रहा है इसका हैंडल, क्योंकि वो हैंडल खुलेगा उसके बाद ये इसके कान बाहर आएंगे और दूसरे वाले डलेंगे ताकि गोल लाइट लग जाए इसमें। निकल गया, निकल गया सर, निकाल लो तो खोल दो। अरे ये पूरे निकलेगा बाबा, मेरे को लग रहा है तारे वारे के साथ, तार वार सारी निकाल दे, कैच मारेगा कैच पे, वो तो पेंट ही होनी है, आ गया बस। तो ये इसके कान होते हैं, ये बाहर आ गए पुराने वाले, और इसकी सारी वायरिंग खोलनी पड़ेगी, अब दूसरे वाले इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे, लग जाएंगे। और ये वाले अभी टेम्परेरी लगाए, बाद में इसको हम चेंज करवाएंगे, ये पुराने वाले पड़े हैं, ये लंबे बहुत ज़्यादा है और हम छोटे वाले। देखो यहाँ पे दो दो पल्सर है, एक ये है एक ये है, कोई बोल ही नहीं सकता वो पल्सर है, देखो पूरी बदल चुकी है। अब बस ये सीट और ये मरगाड़ की वजह से लग रही है, अभी ये उतर जाएगा फिर कोई जस्टिस नहीं कर पाएगा कि ये पल्सर ही है, बस इंजन से जस्टिस होगी। तो इसके लिए पूरा डूम ही आपको लेके आना पड़ेगा हेडलाइट के साथ, तो वही मैं लेके आया हुआ हूँ, ये खोल रहा है। वैसे तो मैं इसमें LED लगाऊंगा, इसलिए वो इसके आगे का मेरा वेस्ट है, ये वाली चीज़ मेरी वेस्ट है, इसमें मैं LED लगाऊंगा, ये सिर्फ लगा के चेक कर रहे हैं। तो देखो अगर आपने नॉर्मल यामा तैयार करनी है तो ऐसे लगेगी, और इसमें हम LED लगाएंगे अब ये वाली, और फिर देखते हैं इसकी लुक कितनी प्यारी आएगी। एक नंबर लग रही है, टेढ़ा है थोड़ा सा ना, तो कितनी मस्त लग रही है। और तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और थर्ड पार्ट में इसकी चेसी वगैरह काट के इसको वेल्डिंग वगैरह करवाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।